हेलो 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 सबका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर तो भाई सब लोग मस्त हो कैसे हो तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर तो हम लोग अब आ गए हैं चैप्टर नंबर नाइन रे ऑप्टिक्स पे आ चुके हैं जो एनसीआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर नाइन है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और वो बोर्ड में कितनी बार आए यानी कौन सा डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन ज्यादा बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा तो कौन सा ऐसा डेरिवेशन है तो भाई साहब हम लोग हर एक चैप्टर के डेरिवेशन आपके सामने ला रहे हैं रिसर्च करके आर एनडी करके दस बारह साल के जो पूरे पेपर है उनको देख के कौन से डेरिवेशन कितनी बार आए हैं कौन से इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एनसीआरटी में वो कहां पे दिए हुए हैं और कौन से डेरिवेशन है जो एनसीआरटी में अगर ढंग से नहीं दिए हुए हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको अलग वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी फुल आपको डेरिवेशन करा रहे हैं वो वीडियो आपको रेफर तो लेटर सी आ इस में, इस जो है वैसे, रे इसमें डेरिवेशन की भरमार है, लेंदी है काफी सारे इसमें डेरिवेशन बनते हैं लेटर्स स्टार्ट फर्स्ट डेरिवेशन देखते हैं पहला आज कौन सा है तो पहला है कि प्रूव करना फोकल टू आर बाई टू मतलब रेडियस जो होता है उसका आधा जो है फोकल लेंथ होती है एफ इक्वल टू आर टू प्रूव करना

ये लास्ट में फिर डेरिवेशन प्रूव होके आया होकर आयावल टू वन बाई एफ तो ये हमारा प्रूव होके आया 1 by v plus 1 by v, U जो होता है 1 by F के बराबर होता है तो ये हमने प्रूव किया मैग्निफिकेशन की बात करें तो नीचे ही ड्राइव किया गया एम इक्वल टू एच डैश बाई एच और फिर उसको डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो प्रूव करा गया है फिर ये कि आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा माइनस का वी बायू आएगा तो ये प्रूव हमें करके जाना है पेपर के लिए ठीक है तो दो डेरिवेशन हो गए हमारे अब देखते हैं इसमें भरमार है डेरिवेशन की है ना चैप्टर में भरमार है भाई बड़ा चैप्टर है क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है तो ये क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसको देख लेते हैं कहां पे हमें मिलेगा तो ये हमें मिलेगा क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रेक्शन के बारे में बात की गई है इसके आगे बाद में तो ये रिफ्रेक्शन शुरू हो गए यहाँ पे और ये सब रिफ्लेक्शन चल रहा है यहाँ पे और ये फिर टीआईआर की बात की गई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहां पे फिर जो है डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डायग्राम बनाया गया है टी आई आर के लिए ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये डायग्राम जो है फिर इससे प्रूव किया गया है कि अगर आप स्नेल लॉ लगाएंगे तो सिंपली जो है इस वाले केस के लिए जब ये 90 डिग्री पे जाएगा ये जो केस है क्रिटिकल एंगल का जब ये रे हमारी ग्रेस करते हुए जाएगी तो वहां पे स्ने केवल हमें लगाना है साइन आई बाई साइन आर जो म्यू के बराबर होता है या साइन आई इंटू म्यू इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू तो वहां पर हम इसको वन मान लेंगे उससे हम लोग प्रूव कर देंगे या फिर म्यून म्यू टू मान सकते हैं

तो सरफेस अगर हम देखें तो वन बाय वन सरफेस हम निकालते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखिए ये यहाँ पे सरफेस बना के और इन्होंने प्रूव किया है कि ऐसे ऐसे ये जो है हमारा होगा ऐसे ऐसे करके ये हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो पूरा प्रूव किया गया यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है ऑब्जेक्ट है ये इमेज बनी है यहाँ पे पूरा ये थीटा वगैरह निकाल के प्रूव किया गया है कि हमारी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है राइट तो ये हमारा डेरिवेशन है अच्छा यहाँ पे जो प्रूव किया गया है केवल कॉन्वेक्स का मुझे दिख रहा है कॉन्केव का नहीं है तो कॉन्केव के लिए आपको

लेंस का फॉर्मूला वो भी एब इनिशियो मेथड से तो NCRT अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमजोर दिखी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेंस का डेरिवेशन है पूरा ये जो डेरिवेशन है पूरा सरफेस इन्होंने दो सरफेस माने लेंस के अब मैं ऊपर कर देता हूँ देखो ये दो सरफेस माने तो पहले इन्होंने ये वाला सरफेस लिया और जो अभी आपने सरफेस वाला फार्मूला ड्राइव किया है तो इन्होंने यहाँ पे वो लगाया फिर ये वाले सरफेस के लिए दोबारा इन्होंने ये वाला लगाया कि जो यहाँ पे हमने यूज किया करते हैं ना वो हमने इन्होंने यहाँ पे लगाया तो ये जब आप लगाएंगे यहां पे, तो उससे ड्राइव होके आ, आ जाएगा ये पूरा जो है लेंस मेकर फॉर्मूला गया होगा ये आ गया था ड्राइव होके पूरा आ गया ठीक है तो ये ड्राइव होके आ गया पूरा अब जो है यहां परिशियो इनिशियो का मतलब होता है कि बिल्कुल हम यहाँ पे स्नैप स्टोर लगा के पूरा प्रूव करें मतलब ये भी हम लोग यूज ना करें इन्होंने यूज किया सरफेस हमने उसको यूज किया है एब इनिशियो होता है कि बिल्कुल आप उसको भी इनस, से पूरा ड्राइव करके दिखाएं तो वो आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा या तो किताब में से या आपको हमारी जो वीडियो है बाकी उससे देखना पड़ेगा कि एब इनिशियो से इसको कैसे प्रूव करते हैं दूसरा इन्होंने बोला कि लेंस लेंस मेकर से ड्राइव करो तो वो भी यहाँ पे पूरा ठीक से तो नहीं है अगर आप देखेंगे लेंस मेकर फिर उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लेंस फॉर्मुला ये करा है तो इसमें थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी में चीजें अलग है और सीबीएसई में थोड़ा सा अलग आ रहा है तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको देखना पड़ेगा लेंस मेकर एबिनिशो से और लेंस फॉर्मूला फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मुला तो लेकिन वहां से आपको हिंट हेल्प मिल सकती है अगर आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं लेकिन आपको बुक का हेल्प भी लेना पड़ सकता है फिर है प्रिज्म की बात की गई है तो प्रिज्म में दो चीजें हैं एक तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है कि आई प्लस ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस का जो सम होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन एंगल के बराबर होता है एक तो डेरिवेशन है दूसरा जो है इसमें वो है हमारे सामने की प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है

Mu जो होता है साइन ए प्लस साइन ए बाई टू वाला जो फॉर्मूला है वो आपको इसके नीचे मिल जाएगा पेज नंबर अगर आप देखेंगे दो सौ उनतालीस चालीस पे मिल जाते हैं आपको और देखते हैं भाई साहब और क्या पूछते हैं फिर ये पूछते हैं माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के बारे में पूछेंगे और टेलीस्कोप की पावर पूछेंगे वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोपे कई बार आया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार आया है कि टेलीस्कोप की क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर अब अगर एनसीआर में आप देखेंगे ये तो एनसीआरटी में यहां पर जो है ये ये दिया हुआ है देखो यहां आप देखेंगे तो की ये माइक्रोस्कोप है कंपाउंड इसका डायग्राम दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको बनाना है मेन तो डायग्राम है उससे फिर आपको प्रूव करना है कि मैग्नीफाइंग पावर हमारी ये होती है पूरी तो ये पूरा जो है यहाँ पे डेरिवेशन किया गया ये आप करेंगे इसको थोड़ा सा बेसिक से करना है आपको थोड़ा सा बेसिक से करिएगा किताब की हेल्प यहां पे ले सकते हैं वहां से हम लोग देख सकते हैं अगर आप टेलीस्कोप की बात करेंगे टेलीस्कोप में एनसीआरटी ने एस कुछ पूरा दिया नहीं है डायग्राम तो दिया हुआ है लेकिन डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है तो यहां पे आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी किताब की हेल्प लेनी पड़ेगी और वहां से आपको ड्राइव करना पड़ेगा तो आई होप सबको समझ में आया होगा कौन कौन से डेरिवेशन हमें करने इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन से इनमें से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इंपोर्टेंट एक तो कई बार आया देखो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप उसके अलावा जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कई बार आया हुआ है इंपॉर्टेंट है ये प्रिज्म फॉर्मला भी आप बोल सकते हो कई बार आ चुका है दस साल में तीन बार आ चुका है लगभग ये थोड़ा कम आया है ये भी थोड़ा कम है ये भी कम है ये भी कम है ये भी कम है, भी कम है, भी कम है तो मेनली जो है आपके प्रिज्म वाले और माइक्रोस्कोप वाले जो डेरिवेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनको छोड़ के मत जाइएगा जो लोगों की हालत बस्ता है वो मत छोड़िएगा बाकी करने तो सारे ही हमें दो दो बार प्रैक्टिस हमें सबकी करनी है तो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय